व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं जो मूंग दाल से बनती है और बहुत इजी बनती है। ये डिश सबको बहुत पसंद आती है। इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल ली है, लगभग 100 ग्राम से। इसे एक घंटा पहले मैंने अच्छे से धोकर पानी में भिगो कर रखा है। और हमें एक कटोरा चीनी चाहिए, यानी 100 ग्राम। जितनी हमने दाल ली है उतनी ही हमें शुगर भी चाहिए। और एक छोटी कटोरी मैंने देसी घी लिया है। और हमें ड्राई फ्रूट्स में चाहिए तरबूज के बीज, थोड़े से आलमंड और काजू, थोड़ी सी इलायची ली है। दो इलायचियों को मैंने दरदरा पीस लिया है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये डिश बहुत मज़ेदार बनती है, आप बनाइएगा और टेस्ट करके मुझे बताइए। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है, देखिए। अब हम उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। देखिए लो फ्लेम पे ही हमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा हल्के से भूनना है। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने हैं हमें, सिर्फ लाइट पिंक कलर में आने चाहिए। लाइट गोल्डन कलर हो जाए तब हम उसमें दाल डालेंगे। अब हम इसमें, देखिए हमारे ड्राई फ्रूट लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें हम हमारी भिगोई हुई दाल डालेंगे। देखिए हमने इसका पूरा पानी निकाल लिया है। अगर पानी होगा तो अच्छे से हमारी दाल घी में नहीं भुनेगी, अच्छे से फ्राई नहीं होगी। हमने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रखा, सारा पानी निकाल लिया है और दाल को अच्छे से डाल लिया है। अब घी में हम इसे एक 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। हमने फ्लेम को हाई कर लिया है ताकि इस दाल का पानी जल्दी से सूख जाए और तेल में थोड़ी सी हमारी दाल अच्छे से भुनकर थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तब तक हमें इसे भूनना है। बहुत लोग इसे पीस कर भी बनाते हैं, ग्राइंड कर बनाते हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे ही रखा है, ग्राइंड नहीं किया है। ये रेसिपी ईजी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है और वक्त भी बहुत कम लगता है इसे बनाने में। हम इसे अच्छे से और 1-2 मिनट भून लेंगे। इसमें अब अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए हमारा जो भी मॉइस्चर था दाल में वो भी सूख गया है। इसे और 1 मिनट अच्छे से घी में भून लेंगे। देखिए पूरी हमारी ये जो दाल का पानी है मॉइस्चर पूरी तरह से सूख गया है। कुछ देर पर 1 मिनट पहले और थोड़ा मॉइस्चर था, इसीलिए मैंने और 1 मिनट तक इसे अच्छे से घी में भून लिया है। और इस टाइम पे हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल 1/2 कप जितना, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। में और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक लेंगे और 2 मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे। फ्लेम को हमने लो कर लिया है। अब 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ही रहने देंगे ढक कर। 2 मिनट हो चुके हैं हमने ढक कर, अब चेक करेंगे। देखिए हमारी दाल अच्छे से हो गई है। देखिए
पूरी तरह इसे कुक नहीं करना है हमें, एक कनी बाकी रखनी है। देखिए इसी टाइम हम उसमें शुगर ऐड करेंगे, जो हमने एक कटोरी दाल के लिए एक कटोरी शुगर ली थी, सारी शुगर इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी शक्कर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और सारी शक्कर हमारी इसमें घुल गई है। अब हम इसे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। बस और कुछ ही मिनट बाकी है हमारी डिश रेडी होने के लिए। थोड़ा सा ये जो शुगर है वो थोड़ी सी इसका पानी कम हो जाए मूंग दाल में, तो हम जब उसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हम अब इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। इलायची पाउडर डालकर कुछ देर हमें इसे पकाना है, और चाहे तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं पहले बताना भूल गई थी, आप कोई भी कलर, केसर हो या येलो कलर हो, कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। देखिए मैं येलो कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, एक पिंच जितना। इससे हमारी स्वीट का बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा और देखने में बहुत अच्छी लगेगी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस हमारी स्वीट अब रेडी होने ही वाली है। इसको एक मिनट तक हम लीड लगाकर और एक मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। जो हमारी एक जो थोड़ा सा बाकी था पकना, वो भी अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से टूट रही है, यानी पूरा पक चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और लिड लगाकर एक मिनट तक ऐसे ही ढके रहने देंगे, फिर हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी मूंग दाल का हलवा रेडी है। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। आप भी बनाइए, और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।